A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बहुत ही ज्यादा important topic पे बात करने वाले हैं. उसका नाम है महागठबंधन या मोदी जी की भाषा में कहें अनहोली अलायंस. ये टॉपिक आपके पर्सनल इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चरेट में और जीटीओ में बात करते हैं कैसे. और ये टॉपिक आपके तीनों ही एसएसबी में काम आएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. अब देखिए, ये फोटो आपको दिख रही होगी, इसमें आपको इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और दुनिया आज के सभी प्रेजेंट नेता लीडर आपको सभी दिख रहे होंगे. अब इन दोनों बातों में लिंक क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे. प्लस ये एसएसबी में सवाल पूछा कैसे जाएगा. देखिए, प्रज्ञांशु, मैंने उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो उनकी स्टेट में इलेक्शन हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस टाइम छत्तीसगढ़, 2018 में अगर आपको याद हो, तो उस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग खड़े हुए, पार्टी कौन सी थी, मेन लीडर कौन से थे, कहाँ का हुआ, तो जीता तो कौन जीता, ये सारे सवाल उनसे पूछे गए थे. अब ये सवाल आपसे भी आने वाली एसएसबी में पूछे जाएंगे. वो सवाल कैसे होंगे, जरा उन पर नजर डालते हैं. पहला सवाल होगा, इज महागठबंधन अनहोली अलायंस गुड फॉर इंडिया. दूसरा सवाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज पॉलिटिकल सिनेरियो इन जनरल इलेक्शन. ये दो टॉपिक हैं. अब इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है लेक्चर्ड वे में, वन इंडिया वन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके बारे में बात होगी. दूसरा, क्या सोशल मीडिया इंडियन इलेक्शन सिस्टम में कोई रोल प्ले करता है या नहीं, या कोई और वजह है या कोई और तरीका है जो रोल प्ले करता है. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. देखिए, हम पहुंच जाते हैं आज के सिनेरियो को समझने के लिए, हमें जाना पड़ेगा 1977 में, जब इमरजेंसी हटी थी और इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी में. गांधी ने 19 महीने ये इमरजेंसी लगी, उसके तुरंत बाद करीबन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन होंगे. उस इलेक्शन में जीत हुई मोरारजी देसाई की, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे और ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के. अब ये जीते कैसे, देखिए जब इमरजेंसी हटी तो किसी भी पार्टी को प्रचार करने का कोई समय नहीं मिला और उनको एक साथ आकर कांग्रेस को हराना था. तब चार मेजर पार्टी आई और उन्होंने एक साथ मिलकर एक अलायंस बनाई जिसका नाम पड़ा जनता अलायंस. उसमें थी कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी. इन चारों पार्टी ने जनता अलायंस, या मैं कहूं जनता पार्टी के नाम से लड़े और जो सिंबल लिया इन्होंने, कॉम्पल सिंबल जो होता है इलेक्शन का सिंबल, वो लिया भारतीय लोकदल का. खैर, यहां पर एक स्लोगन और लगा, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, चॉइस इज योर्स. ये नारा लगा कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें तानाशाही चाहिए या लोकतंत्र, ये तुम्हारे ऊपर है. और इसी नारे के साथ इलेक्शन जीत गए. 1977 में जनता अलायंस को मिले 295 सीट्स और कांग्रेस को मिली 154 और टोटल लोकसभा सीट थी 542, तो 50% से ज्यादा अपने आप ही आ जाता है और जनता अलायंस सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाती है. जब सरकार बनाने की बात आई तो पीएम किसी को चुनना था. पीएम के सीट के लिए चार लोगों के नाम आए, करण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह. इनकी आप फोटो देख ही रहे हैं, ये चारों आए. अब जीतने के बाद सभी के पर्सनल इंटरेस्ट सामने आने लगे. पहले तो खाली बात थी डेमोक्रेसी की और डिक्टेटरशिप की, बट अब बात थी पर्सनल इंटरेस्ट की कि पहला नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. इस डिसीजन को लेने की जिम्मेदारी ली जयप्रकाश नारायण ने और आचार्य कल्पनानी जी ने. तो करण सिंह को ये बात करके हटा दिया गया कि उनके लिए तो कोई पार्टी में बंदा ही सपोर्ट नहीं कर रहा. और जगजीवन राम को इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया क्योंकि वो पहले ही बंदे थे कांग्रेस की साइड से जिन्होंने इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा था. अब बचे मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह. इंटरनल पॉलिटिक्स में मोरारजी देसाई को एक बेनिफिट था, अपहोल्ड था, तो इसलिए मोरारजी देसाई पीएम बन गए और चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय, बोले तो होम मिनिस्ट्री, दे दी गई. खैर, यहां तक की कहानी हो गई. उसके बाद क्या हुआ, टसल ऑफ पावर. अब यहां पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं 1977 से 79 तक की बात है और चौधरी चरण सिंह के लिखा है 79 टू 80. अब यहां पर सिर्फ दो साल के लिए मोरारजी देसाई दो साल के लिए पीएम बने और चौधरी चरण सिंह करीबन एक साल के लिए, तो टोटल तीन साल सरकार चली. अब देखिए, अगर आप, मैं आपको एक बात बताऊं,
सोच के देखिए, बहुत सारे पार्टी में लीडर हैं, तो हर लीडर की अलग डायरेक्शन होगी, हर लीडर का सोच होगा, हर लीडर की मालूम मानता हूं करप्टेड नहीं है, एक नंबर भी करप्टेड नहीं है, तो हर लीडर चाहता होगा देश इस तरह से चले, सबकी अलग अलग विजन होगी, तो उसमें टसल ऑफ पावर तो होगी कि भाई मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मुझे अगर साथ नहीं दोगे तो मैं हाथ खींच लूंगा। अगर ऐसा ही पार्टी में चलता रहेगा तो देश का कितना नुकसान होगा, क्योंकि हमारा देश कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा, फेल ऑफ गवर्नमेंट होगा, और फेल ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम आम भाषा में बोलें तो होगा एक क्रिपल नेशन ग्रोथ, मतलब एक लंगड़ाता हुआ देश का विकास, इस चीज को हम कहेंगे फेल ऑफ गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट में हमेशा ही ऐसा होता है कि टसल ऑफ पावर होता है, हर कोई पीएम बनना चाहता है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, हर पॉलिटिकल लीडर अपने ही अनुसार चलाना चाहता है सरकार, तो उसमें नुकसान किसका होता है, देश का, और इसलिए हम कह सकते हैं क्रिपल नेशन ग्रोथ, लंगड़ाता हुआ देश का विकास। और इसे हम कहेंगे एक बहुत बड़ा फेलियर, क्यों, क्योंकि अगर आप देखें लॉजिकली, हाफ डिकेड स्लिप लाइक अ सैंड फ्रॉम हैंड, देखिए जैसे ये रेत होती है, अगर हाथ में आप रेत पकड़ो वो आपके हाथ से फिसल जाती है, उसी तरह अगर सरकार बने, उसमें मान लो 5 साल की सरकार है, उसमें 2 साल कोई और चला है, फिर 1 साल कोई और चला है, फिर 2 साल कोई और चला है, तो सोच के देखिए 5 साल कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं जो विकास होना है वो नहीं होगा। अब एक डिकेड जो होता है वो होता है 10 साल का, और अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो हो गया 5 साल का, करेक्ट, 50% डिकेड, मतलब हाफ डिकेड चला जाता है। तो सोच के देखिए अगर एक सरकार में सिर्फ बनते बिगड़ते रहें और इंटरनल पॉलिटिक्स में बिजी रहें तो देश का विकास कहीं नहीं होगा, और वो 5 साल मतलब हाफ डिकेड पीछे पहुंच जाएगा। यही सेम सिचुएशन आज की तारीख में है, हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जरूर चाहिए जिसमें सभी अपोजिशन पार्टीज में एकता, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ चल रही हो कि भाई अगर तुम कहीं गलत चलोगे, बट एक वीक गवर्नमेंट मतलब एक क्रिपल नेशन, अगर कहीं भी कोलिजन सरकार होगी तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, और कहीं ना कहीं वो सरकार गिर जाएगी। आज की तारीख में ये तो सिर्फ 15 पार्टी हैं, इसमें कांग्रेस और बाकी उनके जो एलाय हैं यूपीए के वो ऐड करके, प्लस आम आदमी पार्टी करके, करीबन ये 20 के आसपास, 20 से ज्यादा ये पार्टी हैं। सोच के देखिए इन सभी पार्टीज में एक प्रोमिनेंट लीडर है, और अगर ये प्रोमिनेंट लीडर कल पीएम के लिए खड़े होंगे तो कोई भी अपना हाथ खींचने को तैयार होगा कि भाई हमें ये सत्ता में तभी रहेंगे जब आप हमें पीएम बनाओगे या हमें मिनिस्ट्री की पोस्ट दोगे। तो सोचिए क्या 5 साल सरकार चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा मैं आपको थोड़ा और डीप में ले जाना चाहता हूं, सोच के देखिए क्या आपके पास जो 2 साल पहले अपॉर्चुनिटी थी क्या आज है, नहीं। तो सोच के देखिए देश के पास जो 5 साल पहले अपॉर्चुनिटी थी क्या वो आज होगी, नहीं होगी। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी, नहीं। जो अपॉर्चुनिटी आज है वो आज ही है, वो कल नहीं मिलने वाली। तो अगर गवर्नमेंट फेल होती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी फेल होती है, कोलिजन फेल होता है, पार्टी का फेलियर नहीं, सरकार का फेलियर नहीं, देश का फेलियर है, क्योंकि हम 5 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस 5 साल मतलब हाफ डिकेड उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब चलते हैं आगे हमारे दूसरे पार्ट पे, जो कि है जनरल इलेक्शन। उसमें आपसे इंटरव्यूअर एक सवाल पूछेगा, सीरीज ऑफ सवाल पूछ सकता है या आपसे पॉइंट आउट करके। पहला सवाल ये कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जैसे मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहां से मैं ओरिजिन हूं, वहां पर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महाराष्ट्र में 43 है। ऐसी आपको अपनी स्टेट्स की पता होनी चाहिए जहां से आप आ रहे हैं कि वहां पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डायरेक्ट इंटरव्यूअर का सवाल हो सकता है। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड व्हाट इज द इलेक्शन डेट इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी बहुत बेसिक है। और हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन योर स्टेट फॉर असेंबली, ठीक है। अगर मान लो आप इन तीनों में से कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो तो आप एक एक्टिव सिटीजन नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कमी है, और ये OLQ दिखाता है कि आप में एक सबसे बड़ी OLQ नहीं है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। तो इन तीनों सवालों का जवाब आपको पता ही होना चाहिए, बिना हिचक के, बिना किसी मिस्टेक के आप बता पाए। इसके साथ हम आगे चलते हैं, जनरल इलेक्शन में होता क्या है, उस टाइम उसके प्रोसेस क्या होते हैं। पहला प्रोसेस होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से 1 महीने पहले लागू कर देता है, जिसमें एक गाइडलाइंस होती है। उसमें ये होता है कि 2 लोग इलेक्शन में कैसे खड़े होंगे, कैंडिडेट्स कौन होंगे, और वो अपना काम या अपना प्रचार कैसे करेंगे,
किसी भी सरकारी आदमी या ब्यूरोक्रेट का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, कोई नई पॉलिसी सरकार नहीं ला सकती, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का काम होता है। अब इसके साथ एक बात और, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, पर उसके साथ कुछ स्टेट के भी इलेक्शन है, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन है, अरुणाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है, सिक्किम में है, पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन, आपको पता होगा वहां पर प्रेसिडेंट रूल अभी चल रहा है, उससे पहले गवर्नर रूल था, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो भी पता होना चाहिए क्योंकि ये एक ट्विस्ट क्वेश्चन हो सकता है, और अगर आप नहीं बता पाए तो अगेन वो SR मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में OLQ लैक कर रही है, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा जनरल इलेक्शन 7 फेजेस में है, उसमें एक नई खास बात जो है ये VPAT। VPAT क्या है? वोटर वेरिफाइड पेपर मल्टी फेज ऑडिट ट्रायल। देखिए इसमें क्या है कि पहले ये था कि हम किसी को वोट दे रहे हैं, वो वोट किसी और को जा रहा है, ये बात मानी जाती थी और ये इलेक्शन कमीशन के पास उठाई, तो उन्होंने क्या करा कि एक पेपर निकलेगा जो इसमें बात का प्रूफ होगा कि वोट किसने किसको दिया गया है, ठीक है, तो वो बस एक प्रूफ फॉर्म में होगा, ये VPAT का इस्तेमाल है। अब इससे आगे चलते हैं। इलेक्शन के बारे में खास बात की जाती है, इलेक्शन सिंगल फेज में, या मैं कहूं GD के लिए टॉपिक होता है कि सिंगल फेज में होना चाहिए कि मल्टी फेज इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके दोनों प्रो एंड कॉन्स है। देखिए अगर वो सिंगल फेज में होगा तो हमारे देश में अभी इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसे सिंगल फेज में करा दें, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी ब्यूरोक्रेट्स को सबको एक ही दिन एक ही वक्त एक ही जगह रहना पड़ेगा, उनको बाकी सारे काम छोड़ने पड़ेंगे और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उनपे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन हैम्पर करते हैं स्कूल। देखिए अगर मान लीजिए कहीं इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर उनको इलेक्शन का पोर्ट बनाया जाता है कि वहां पर आप जाके वोट देंगे। अब अगर मान लीजिए वहां पर सीरीज ऑफ इलेक्शन हो रहे हैं तो वो स्कूल उस टाइम के लिए बंद रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अगर हम सिंगल फेज करा देते हैं तो सिंगल फेज से क्या होगा, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इलेक्शन कराने का वो बहुत कम हो जाएगा, उनके पैसे कम खर्च होंगे, पार्टी का इलेक्शन एक्सपेंसिस है वो भी बहुत कम होगा, और तीसरा कि सरकार को, क्योंकि इलेक्शन एक ही दिन में हो गया, एक ही फेज में हो गया, तो डेवलपमेंट करने का ज्यादा मौका मिलेगा बजाय इलेक्शन में अपना समय बर्बाद करने में। अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्या सोशल मीडिया इंपैक्ट करता है इंडियन पॉलिटिक्स को या इंडियन इलेक्शन को? तो इसका एग्जांपल लेंगे हम पिछले 2 साल पुराना 2017 का US इलेक्शन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे। अब उसकी में थोड़ी नजर डालते हैं, थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि आपको ये GD में यहां पर ये एग्जांपल कोट करने के काम आएगा। अब देखिए क्या हुआ था, एक बंदे थे रॉबर्ट मर्सर, जो कि डोनर है रिपब्लिकन पार्टी के, वहां पर दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी के डोनर है रॉबर्ट मर्सर। अब वो एक बिजनेसमैन भी है, उनके ऊपर दो एक्यूज आए कि इन्होंने प्रेसिडेंटियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है बाय सोशल मीडिया, और जो लीव साइड है मतलब ब्रेक्सिट को लीव साइड है उसके लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करा है यूनाइटेड किंगडम में। इन पे एक्यूजेशन आए। अब इन्होंने काम किया कैसे और इस चीज को इम्प्लीमेंट किया कैसे, मतलब ये क्राइम करा कैसे, तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसमें डॉक्टर कोगन को हायर किया और उनको $8 लाख दिए गए, और उन्होंने उनको एक ऐप बनाने को कहा गया, उसका नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ, और उसको फेसबुक पे डाल दिया। उससे उन्होंने लोगों ने उसे डाउनलोड किया, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे उनका मोबाइल नंबर, उनकी पर्सनल डिटेल्स, फेसबुक में फ्रेंड कौन कौन है, उनकी पूरी प्रोफाइल, और ऐसे सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, उन्होंने फेसबुक पे एक सर्वे कराया, सर्वे में वो उनको कुछ पैसे दिया करते थे कि भाई तुम इतने पैसे ले लो और हमारा सर्वे कंप्लीट कर दो। उसमें उस सर्वे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती थी, लोग सोचते थे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने वो सर्वे को फिल कर देते थे। इन दोनों सोर्सेस से लोगों का पर्सनल डाटा कलेक्ट हुआ, उस पर्सनल डाटा से उन्होंने एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई और लोगों को डिवाइड किया कि डोनाल्ड ट्रंप की साइड कौन कौन लोग रहेंगे और कौन कौन नहीं रहेंगे, और उसकी डिसाइड कैंपेन करी, फेसबुक पे ऐड किए, प्रिपेयर पोस्ट किए, और इस हिसाब से अपने फंड राइज भी किए, मतलब जो उनके फेवर में उनको ज्यादा दिखाया, ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, तो उन्होंने फंड दिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनकी पार्टी के लिए, ठीक। जैसे ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार हो गई, लोग ज्यादातर इन्फ्लुएंस होने लगे, जैसे जैसे और इन्फ्लुएंस हुए जो उनके साथ के या जो उनके फेवर में लोग और साथ साथ आने लगे, और उनकी वोट परसेंटेज ज्यादा हो गई,
और कहीं ना कहीं यही एक फेवर करती गई डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में, ये इन पे एक्यूज आया। अब इंडिया के लिए कंसर्न क्या है? देखिए आज की तारीख में इंडिया सबसे बड़ा सोशल मीडिया का यूजर है, और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में डाटा एक नई करेंसी है। अब आप समझ गए होंगे कि सोच के देखिए, सिर्फ एक ऐप को बनाने में, एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने के लिए डॉक्टर कोगन को 8 लाख US डॉलर मिले, ठीक, बट उस डाटा को किस तरह से इस्तेमाल करना है अपनी कमाई या अपने फायदे के लिए, ये एक नई करेंसी है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप गूगल पे या फेसबुक पे एड्स देखते रहते होंगे, या जैसे ही आपने मेरी यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब किया होगा, तुरंत उसने उसे रिलेटेड पेजेस को दिखा दिया होगा डिफेंस के। तो ये क्या है, ये वो आपके डाटा को कलेक्ट कर रहा है कि आपने पहले क्या सब्सक्राइब किया, आपको क्या क्या पसंद हो सकता है, तो उसके फीडबैक पे उसने एक नई चीज आपके सामने पेश की। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखूं, आप अपने भाई या अपने बहन या दोस्त का फेसबुक होम पेज देखना और अपना होम पेज देखना, दोनों में 36 का आंकड़ा दिखेगा, और आप देखोगे दोनों अपने अपने इंटरेस्ट के हैं। फेसबुक के होम पेज आप अपना देखोगे तो आपको दिखेगा ये मेरे इंटरेस्ट की वीडियोस हैं, बट आप अपने दोस्त या भाई या बहन का देखोगे देखोगे उनके अलग है, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का है। तो सोचिए आपका डाटा कितना बड़ा है, आपको 3-3, 4-4, 6-6 घंटे YouTube पे या किसी सोशल मीडिया पे वेस्ट होने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है आपका डाटा, उसका इस्तेमाल करना। तो इसी डाटा का इस्तेमाल करके वो पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि डायरेक्टली वोट आ जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारी वीडियो का एंड। आई होप इस वीडियो से आपको फायदा हुआ हो। महागठबंधन, जनरल इलेक्शन और सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन तीनों बातों में आपको नॉलेज मिली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या होम पेज पे मिल जाएंगे, वहां जाके मुझे प्लीज फॉलो करें आप। प्लस मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे जाकर फॉलो करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगर